नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों से जुड़ी समस्याओं की। तो बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में जो महंगाई है वह दिन प्रतिदिन अब चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं से हमें पैसों की बचत हो जाए, कहीं ना कहीं से हम कुछ पैसे सेव कर ले ताकि उसे फ्यूचर में यूज कर सके। तो कई लोग हैं जो ऑनलाइन इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कई लोग हमारे देश में हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करके हर महीने बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो आखिर यह कैसे पॉसिबल है? आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया वाला चूज करें जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो? तो हमने सोचा कि आखिर इस मुद्दे के लिए क्यों ना किसी एक्सपर्ट की सलाह ले। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं सीए अंकुर अग्रवाल, जिनसे आज हम इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सर का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आपके मुताबिक क्या लगता है कि आखिर किस तरह से ऑनलाइन इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है? आखिर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पैसे अच्छे से मुनाफा में कमाए जाए? देखिए, एक जो सबसे अच्छा और लेस रिस्की तरीका है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना। मतलब आईपीओ, जैसा कि आपने कहा, तो इसे आसान भाषा में हमारे दर्शक कैसे समझ सकते हैं? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक में अपनी शेयर्स को सेल करती है जी, तो उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। तो कंपनियां जब पहली बार पब्लिक में अपने शेयर्स को बेचेंगी तो वो जो प्रोसेस होता है उसको आईपीओ कहा जाता है, उसको आईपीओ कहा जाता है। तो आखिर इसमें किस तरह के लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आईपीओ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, हम आप भी कर सकते हैं, बैंक्स भी करती है, म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो आखिर इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि मुनाफा अच्छा खासा हो सके? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करके मुनाफा अच्छा खासा हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को कुछ आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी जी होनी चाहिए जी। जैसे कि आईपीओ से क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आईपीओ में जो होता है वो नॉर्मली लो रिस्क हाई रिटर्न फॉर शॉर्ट टर्म जी। जैसे आईपीओ में आपका पैसा जो लगता है वो लेस देन 7 डेज के लिए ही ब्लॉक रहता है जी, इनफैक्ट 3-4 दिनों के लिए। और इन 3-4 दिनों में अगर शेयर्स आपको अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट वाले दिन आप उसको सेल कर सकते हैं और आप उसमें अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से आपने ब्लॉक होने की बात कही, तो आखिर उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? आईपीओ पैसा ब्लॉक ऐसा होता है कि वो पैसा जाता कहीं नहीं है, आपके सेविंग अकाउंट में ही रहता है, लेकिन एक तरह से लियन लग जाता है कि वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शेयर अलॉट हो गया तो वो पैसा, जितना पैसे का शेयर अलॉट हुआ है, वो कंपनी के पास चला जाएगा। सर, जैसे कि आपने आईपीओ की बात की, तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो लोगों के मन में ये चीज़ हमेशा रहता है कि ऑनलाइन तो भाई फ्रॉड की खबरें तो आए दिन सामने आती है। कई बार ऐसा रहता है कि भाई ऑनलाइन है तो इसमें ज़्यादा रिस्क भी होगा, पैसा डूबने का भी कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। तो आखिर कैसे दर्शक इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, हम इसमें इन्वेस्ट करें? आईपीओ जो है वो सेबी से रेगुलेटेड होता है, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई फ्रॉड और इसका कोई चीज नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता भी नहीं है, तो इसलिए किसी तरह से पैसा का फ्रॉड के द्वारा इधर उधर हो जाने की संभावना जीरो होती है। तो उस तरह से तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका पैसा गड़बड़ हो जाएगा ऑनलाइन, मतलब किसी भी परिस्थिति में वैसी स्थिति नहीं आ सकती है, क्योंकि इसके लिए आपका खुद का, जैसे मान लीजिए बैंक का अकाउंट है, उसमें अगर पैसा रखा हुआ है तो बिना आपके चाहे उससे पैसा नहीं निकल सकता है। उसी तरह जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा सिर्फ ब्लॉक रहता है 2-3 दिन 4 दिनों के लिए, तो वो पैसा फ्रॉड के द्वारा नहीं निकल सकता। तो सर, जिस तरह से आपने इसके बारे में बता तो दिया, लेकिन आखिर इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड और
तीसरा बैंक अकाउंट। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आप ऑनलाइन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर इन्वेस्ट करने पे मतलब कितना उसमें इन्वेस्ट किया जाए कि उससे हमें मुनाफा होगा, मतलब एक पैमाना तो होगा ना कि जैसे कुछ लाख रुपए हमने दिया या फिर इतने हजार रुपए जमा किए तो उनके बदले, तो इसका पैमाना क्या कुछ हो सकता है? थोड़ा सा मैं आपको आईपीओ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आईपीओ में जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेबी के अनुसार चार कैटेगरी में बांटे गए हैं जी। उसमें से आपने शायद नाम सुना होगा, एक को कहते हैं QIB या उसको कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर QII, दूसरा होता है एक एंकर इन्वेस्टर, तीसरा होता है HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, और चौथा होता है रिटेल इन्वेस्टर। इस चारों को डिफ्रेंशिएट करने का ये है कि जो QII होते हैं वो नॉर्मली जैसे अदर देन इंडिविजुअल जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशन, वो लोग QII के अंतर्गत आते हैं। जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो एक टाइप ऑफ QII होते हैं, लेकिन वो वैसे होते हैं जो एक आईपीओ में 10 करोड़ से ज़्यादा का शेयर कर सकते। तो ये दोनों हम लोग के मतलब नॉर्मली रिटेलर्स या हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। रिटेल कैटेगरी में इंडिविजुअल हम आप जैसे लोग आते हैं जो 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप 2 लाख से ज्यादा करते हैं तो वो कैटेगरी HNI की होती है। तो नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए वो रिटेल कैटेगरी या 2 लाख से कम अप टू 2 लाख वाली कैटेगरी होती है जी। तो उसमें मुनाफा कितना हो सकता है, जैसे हर महीने हो सकता है या फिर कुछ महीनों का इसमें बंधा हुआ है? एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि आईपीओ में कंपनियां अपने पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में उतारती हैं पब्लिक के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि हर महीने कितनी कंपनियां अपने नए आईपीओ को ला रही हैं। तो लेकिन नॉर्मली जब इकोनॉमी अच्छी रहती है तो 3, 4, 6, 8, 10 इतने आईपीओ तो हर मंथ आते हैं। उसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, उस सेलेक्शन के बेसिस पे हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं जी। आईपीओ से आपने पूछा कि फायदा कितना होगा जी, इसका जवाब स्ट्रेट तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक अंदाज दे सकते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि अगर कोई आदमी 4-5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए रखता है तो वो एक अंदाजन वो 15-20 हजार रुपया पर महीने वो कमा सकते हैं। और फिर ये जो 4-5 लाख आपने इन्वेस्ट करने की बात कही, तो ये क्या मतलब हर महीने के अकॉर्डिंग रहता है इन्वेस्ट करना या फिर किस तरह से? जैसे एक कंपनी में अगर आप 2 लाख से कम लगा रहे हैं तो एक समय हम ये मान के चल रहे हैं कि 2-3 IPO अगर लगा हुआ है, आपके 4-5 लाख रुपए हैं, तो आप 2-3 कंपनियों का IPO में एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। और ये नॉर्मली आपका ये पैसा 3-4 दिन ही फंसा रहता है, ऐसा नहीं है कि महीना के 300 दिन आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, बाकी आप आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो मिलेगा जी। दूसरा ऑप्शन है कि आप सेविंग अकाउंट में अगर लिंक्ड FDR किए हैं तो आपको FD का इंटरेस्ट मिलता है, जितने दिन के लिए पैसा निकला बस उतने दिन का इंटरेस्ट का लॉस है। तो आप अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखें और महीने में 5-6 दिन के लिए ये आईपीओ में पैसा फंसा सकते हैं, और अगर आप 10-20 हजार रुपये महीना इससे कमा ले रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन सर जैसे कि हमारे देश में गृहिणियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा आगे रहती है, वो हमारे देश में मतलब कि उनके लिए बहुत कुछ जो योजनाएं हैं वे हमारे सरकार की तरफ से लाई जाती है, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं गृहिणियों को भी फायदा हो सकता है? जी, जो होम मेकर हैं या जिनको शेयर का कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी बहुत आसानी से थोड़ा सा एफर्ट करके आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं जी। सर इतना कुछ तो आपने आईपीओ के बारे में बता दिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना ये सही होगा, कैसे मतलब ये पॉसिबल है? देख, आईपीओ में मैं तो खुद इन्वेस्ट करता हूँ जी, और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्ट करते हुए 25 साल से ज्यादा हो चुका है, और ओवरऑल अगर देखें तो नेट मुझे लॉस नहीं है जी। मैंने जितना एक आपको अंदाज बताया है प्रॉफिट का, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है। इसमें बस जरूरी ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और लालच में नहीं पड़ना चाहिए, एक डिसिप्लिन वे में एनालिसिस करके आप पैसा लगा सकते हैं। सर लास्टली आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस चीज को लेकर के? ये आईपीओ आपको एक सेफ तरीके से पैसा अर्न करने का मौका देता है। थोड़ा सा आईपीओ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जी। इसके बारे में अगर आप 1-2 घंटा भी समय लगाएंगे तो आपको काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी जी। उस जानकारी को ले लें और उसके बाद आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करके एक अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं जी। तो धन्यवाद सर। तो ये थे CA अंकुर अग्रवाल, जिन्होंने
आईपीओ को लेकर के कई सारी जानकारियां दी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का इसे लेकर के कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस सवाल के जवाब के साथ एक बार फिर से हाजिर हो सके। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके पास किसी भी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल के जवाब के साथ एक बार फिर से हाजिर हो सके, ताकि आप भी अपने पैसों की बचत अच्छे तरीके से अच्छे मुनाफे के साथ कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।